नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। और ये लोग कहते हैं शिवसेना का झंडा गिरा दिए और हरा झंडा लगा दिए, और ये बड़ा कुत्ता बोलता है कि हम केसरिया हटा देंगे और हरा लगा देंगे। तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा, तुम्हारे बाप के बाप के बाप भी आए तो केसरिया तुम्हें हटा सकते। सूर्य उदय होता है तो उसका कलर क्या होता है? सूर्य अस्त होता है तो उसका कलर क्या होता है? तो इनके बाप के बाप भी हटा सकते हैं क्या? अरे तुम्हारी जिंदगी भी काशाय में है, तुम्हारी मौत भी काशाय में है, तुम उसको नहीं हटा सकते। लेकिन ये जो संघर्ष है मेरे भाइयों, देश का भविष्य संभाजी नगर के हर वो वोटर के हाथ में है। देश का भविष्य देश के हर वो वोटर के हाथ में है कि तुम्हें कैसा प्रत्याशी चाहिए। फिर से एक बार मोदी सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? बनाना है या नहीं बनाना है? तो हमारे दलित भाई बंधुओं को समझाओ कि तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे मित्र हो। अरे ये तो वोट के भिखारी है जो आज तुम्हें यूज करने के लिए आए हैं। बाबा साहेब अंबेडकर जी कहते थे निजाम के खिलाफ, रजाकारों के खिलाफ। जब बाबा साहेब अंबेडकर जी 1938 में जब रजाकार के खिलाफ एक सभा लगाए थे मेरे भाइयों, जब सभा का उनका उद्देश्य था, वह समय पर कन्वर्शन ज्यादा हो रहा था, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था, तो बाबा साहेब अंबेडकर कन्वर्शन के खिलाफ थे। जब वह समय पर सभा लगाई गई थी तो 100 रजाकार उनकी सभा पे हमला किया गया, बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर हमला किया गया। आज ये जो ओएसी है ना, ये वही रजाकार की नाजायज औलाद है मेरे भाई। इनका सिर्फ चोला बदला है, रंग कुछ नहीं बदला। कासिम रिजवी कहता था कि अगर भारत देश के पूरे मुसलमान एक हो जाए तो एक भी हिंदू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये छोटा कुत्ता भी कहता है 15 मिनट का टाइम मिल जाए तो 100 करोड़ हिंदुओं को हम समाप्त कर दे। ऐसी विचारधारा के लोग आज संभाजी नगर में हरा झंडा लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं मेरे भाइयों, हरा झंडा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर एक बार अगर हरा झंडा आपके संभाजी नगर में लग गया, फिर उसको उखाड़ने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। जातिवाद में बंटना नहीं है, हमें सिर्फ भगवा देखना है, हमें सिर्फ। दूसरी तरफ हमारे कांग्रेस के भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं। आज पूरे भारत देश में कांग्रेस मुक्त भारत देश हो चुका है। 70 साल से जिन्होंने देश को लूटा, आज इनका कोई वजूद नहीं रहा। 70 साल इन्होंने देश को लूटा। आज हमारे जो पप्पू जी है वो स्पीच देते हैं तो उनका एक जोक बन जाता है, यानी सबसे बड़े जोकर अगर कांग्रेस में कोई है तो हमारे पप्पू जी है। परसों एक वीडियो आया था, देख रहा था मैं, कोई एक बाहर बाजू बैठकर ठहरकर ट्रांसलेशन बिचारे उसको कान कम सुनाई देते, वो पप्पू बोल रहा है और उसको सुनाई नहीं रहा, वो बड़े बार बार कान लगा रहा है। यानी कांग्रेस के जो प्रत्याशी जिनको प्रधानमंत्री बनाने का जो विचारधारा है, कौन से समय पर क्या बोलना उसको भी पता नहीं। ऐसे कैंडिडेट भी हमारे पास खड़े हुए और जिनका काम है सिर्फ मिट्टी पे पैसे देना, लैंड कब्जा करना। एक बहुत बड़े लैंड ग्राफर है कांग्रेस के प्रत्याशी। अब ये हो गए तो बाकी का, जैसे आपके जो आपके कई गुरु थे, अपने तो नहीं है ना, वो जिस क्षेत्र से ये विधायक है, मैं उस जलील को ये पूछना चाहूंगा, आपके विधानसभा में आपने कितना विकास किया है? 0 विकास किया है। किस क्षेत्र का? जहां पर इनके लोग रहते हैं और जहां अपने लोग रहते हैं वहां पर इन्होंने 0 विकास किया है, अंडा बिल्कुल 0। और ऐसे व्यक्ति को जिताने के लिए हैदराबाद की एक टीम आ गई यहां पर। हैदराबाद की
एक टीम आ गई, मैंने सुना है 4 दिन से यहीं थे, जैसा भैया आप आए वो तुम दबा के भागे फिर हैदराबाद। हमारे राजू भैया मेयर जी बता रहे थे कि आप आए और वो गए, क्योंकि वो सुन नहीं सकते ना मेरी बात। जो सिर्फ भारत देश की शक्ति, भारत देश को आगे बढ़ाने की इनकी सोच है, भारत देश को विकास करना इनकी सोच है, दूसरा इनका कोई उद्देश्य नहीं है मेरे भाई। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आतंकवाद आते थे हमारे भारत में, जब बम फोड़कर जाते थे, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री जो रिमोट कंट्रोल से चलते थे कांग्रेस के, वो लव लेटर भेजते थे पाकिस्तान को कि आपके आतंकवादी आए और हमारी सेना पे हमला किया, निर्दोष लोगों को मार दिया, जरा इनके ऊपर इंक्वायरी करो, बोल के लव लेटर भेजते थे हमारे मनमोहन सिंह जी। अब ये मोदी काल है, मोदी काल में लव लेटर नहीं भेजा जाता, 1-1 हजार के बम भेजे जाते, सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता मोदी के कार्यकाल में, एयर स्ट्राइक किया जाता मोदी जी के कार्यकाल में। जो कश्मीर में सेना पर पत्थर मारे उसके पिछवाड़े पे गोली मारने का काल है, ये कॉम्प्रोमाइज का मोदी नहीं है, ठोकने वाला मोदी है ये, और ये मोदी से टकराएगा ये मच्छर। और यहां का एक मच्छर बोलता है कि ये पार्लियामेंट जाएगा, वहां पर ये लोग सिखाएगा। अरे पहले यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं से तो निपट लो यार, हमारे कार्यकर्ताओं से तो निपट लो। लेकिन एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, हमारे हिंदू भाई को हमारे हिंदू भाई से लड़ने का षड्यंत्र, हमारे दलित भाइयों को काटने का षड्यंत्र। हमारे भैया बता रहे थे 3 दिन पहले जब ये लोग बुद्ध क्षेत्र में गए थे, बुद्ध मंदिर में लोग पैर नहीं रखते, लोग दर्शन करने के लिए लोग सोचते, तो ऐसे लोगों को दलित का वोट मांगने का अधिकार नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा। 1% इनको अधिकार नहीं है दलित का वोट मांगने का मेरे भाइयों। और ये लोग कहते हैं कि संभाजी नगर में हरा गुलाल खरीद लो, नहीं मिलेगा, खरीद लो, लेकिन हरा गुलाल ऊपर नहीं काम आ रहा है, आप जानते हैं। यहां पर फिर से एक बार केसरिया गुलाल खेला जाएगा मेरे भाइयों, 23 मई के दिन केसरिया गुलाल खरीद लो आप लोग। आपका ये प्रोग्राम पूरे सोशल मीडिया में लाइव चल रहा है, भले ही यहां पर 1000 लोग होंगे लेकिन लाइव में लाखों लोग देख रहे हैं मेरे भाई। तो फोन की लाइट को ना सब लोग, अपने अपने फोन की लाइट्स, जितनों के पास फोन है, जितनों के पास फोन में लाइट से पूरे के पूरे खोलो, पूरे के पूरे, जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं, जितने भी लोग हैं, खेरे साहब, खेरे साहब देख लीजिए आपके समर्थन में कितने लोग, पूरा आपका यह क्षेत्र जगमग हो गया, यानी आसमान के तारे जमीन पर आ गए, आसमान के तारे जमीन पर आ गए। और इन्होंने शपथ ली है कि इस बार भी मोदी सरकार, इस बार भी मोदी सरकार, और इस बार भी हमारे खेरे सरकार आपके संभाजी नगर में, मेरे भाई। मैं हर किसी के लिए प्रचार नहीं करता हूं, मैं हर किसी के लिए प्रचार नहीं करता हूं, जो व्यक्ति मुझ पर भाग गया, यानी जो व्यक्ति को मैं पसंद करता हूं उसके लिए मैं आ जाता हूं। अरे जो गाय की रक्षा करता है उसके लिए मैं आता हूं, जो हिंदू की रक्षा करता है उसके लिए मैं आता हूं। अरे खेरे साहब ने तो कईयों मंदिरें बचाई है मेरे भाई, कईयों मंदिर बचाई आपके क्षेत्र से, ऐसे व्यक्ति को नहीं जिताओगे तो आप भी सोचो मेरे भाइयों कि फिर आपके संभाजी नगर के मंदिरों का क्या होगा। आज लो जी आपके नाम पर हमारी हिंदू बहन बेटियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसे गद्दारों को कौन जवाब देगा मेरे भाइयों, ऐसे गद्दारों को कौन जवाब देगा। अगर इन तमाम गद्दारों को जवाब देना है, संभाजी नगर का एक भी मंदिर नहीं टूटना है, लौचियादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है, कन्वर्शन पर अगर प्रतिबंध लगाना है, तो फिर से एक बार खेरा सरकार।
चाहूंगा